ज्ञान हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं सीक्रेट सोसाइटी के बारे में। आए दिनों हमें कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सुनने को मिलती है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मतलब सरल भाषा में बात करें तो कुछ ऐसी बातें जो सच ना होकर भी सच सी लगती है, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को सच्ची घटनाओं से जोड़कर देखा जाता है। ऐसी थ्योरीज को मानने वाले, इन पर विश्वास करने वाले इन्हें सच्चा कहते हैं, लेकिन इन्हें सच साबित करने के उनके पास कोई तख्ता सबूत नहीं होते। जैसे एलियंस और इल्यूमिनाटी, यह बहुत ही प्रसिद्ध कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है। एलियन वाली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के अनुसार एलियंस के पास रूप बदलने की शक्ति है, जो इस दुनिया में इंसान के रूप में जी रहे हैं और इस दुनिया और मानवता को अपने इशारों पर नचा रहे हैं। बात करें इल्यूमिनाटी की तो यह थ्योरी इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध है कि दुनिया के ज़्यादातर लोग इस पर विश्वास करते हैं। इल्यूमिनाटी भी एक सीक्रेट सोसाइटी है जिसका जन्म इतिहास में हुआ था जब क्रिश्चियनिटी अपने पीक पर था। तब कुछ लोगों ने गॉड को ना मानते हुए शैतान की पूजा करना शुरू कर दिया था। यह बात कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी, खासकर तब के रूलर्स को जो क्रिश्चियनिटी अपना चुके थे, जिसके बाद उन्होंने शैतान की पूजा करने वालों को ढूंढ ढूंढ कर मारना शुरू कर दिया था। कहा जाता है उसके बाद से शैतान को मानने वालों ने छुपकर मिलना शुरू कर दिया और वह छुपकर ही पूजा करते थे, जिन्हें इल्यूमिनाटी कहा जाता था। कहते हैं आज भी इल्यूमिनाटी मौजूद है जो शैतान की पूजा करते हैं, जिसके बदले उन्हें कामयाबी मिलती है। इल्यूमिनाटी ज्वाइन करना आसान नहीं है, इसके लिए आपको शैतान को खुश करने के लिए अपनी आत्मा का सौदा करना पड़ता है, और अगर आप ऐसा कर पाए तो आपको सफलता, पैसा, शोहरत सब मिलेगा, ऐसा कहा जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि कई सारे सेलिब्रिटीज और बड़े पॉलिटिशियन इल्यूमिनाटी का हिस्सा है जो इस दुनिया को चला रहे हैं। इल्यूमिनाटी से जुड़े लोग शैतान को प्रमोट करना भी नहीं भूलते, जैसे साइंस दिखाना, इल्यूमिनाटी के सिंबल्स के टैटू बनवाना और कहीं ना कहीं इन्हें प्रमोट करना, जैसे कि मूवीज, कॉन्सर्ट और एड्स, इन सब में इल्यूमिनाटी के सीक्रेट कोड्स होते हैं जो आपके सीधा दिमाग में असर करते हैं। इस दुनिया की सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका के करेंसी डॉलर नोट पर भी इल्यूमिनाटी का लोगो है। इल्यूमिनाटी से जुड़े कई सारे आर्टिकल्स और वीडियोस आपको इंटरनेट में देखने को मिल जाएंगे जो इल्यूमिनाटी को हकीकत मानते हैं, लेकिन मैं अपनी खुद की राय बताना चाहूँगा कि मैं इन बातों पर उतना विश्वास नहीं करता, क्योंकि यह बस एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, कोई रियल फैक्ट नहीं, और ना ही मैं आपको इन बातों पर विश्वास करने का सुझाव दूंगा। और इल्यूमिनाटी जैसे ही एक सीक्रेट सोसाइटी इंडिया में भी मौजूद है जो किसी शैतान की पूजा नहीं करती बल्कि शैतान से रक्षा करती है, एक ऐसे ज्ञान की जो इस दुनिया को बदलने की क्षमता रखता है। तो चलिए ज्ञान हिंदी के साथ इस दिलचस्प सफर पर जानते हैं इंडियन सीक्रेट सोसाइटी के बारे में, जिन्हें 9 अननोन मैन के नाम से भी जाना जाता है। 9 अननोन मैन मतलब 9 गुप्त लोग जिनका गठन भारत के महान सम्राट अशोक ने किया था। सम्राट अशोक भारत के शक्तिशाली और बुद्धिमान राजा थे, जिनके पराक्रम के बारे में हमें स्कूल में तो कम ही पढ़ाया गया है, लेकिन आप इनके महान कीर्ति का प्रमाण इस बात से लगा सकते हैं कि हमारे देश के प्यारे तिरंगे पर सम्राट अशोक का चक्र लगाया गया है। सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य से थे, जिसकी शुरुआत आचार्य चाणक्य ने एक साधारण से बालक को सम्राट बनाने के सफर तक तय की थी। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य चाणक्य जैसे महान व्यक्तियों के इस साम्राज्य के सम्राट अशोक अपने पूरे जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारे थे, क्योंकि वह शक्तिशाली होने के साथ साथ बहुत बुद्धिमान थे। उनके युद्ध नीतियाँ इतनी ज़्यादा प्रभावशाली थी कि सामने आए बड़े से बड़े शत्रु को वो बड़े आसानी से हरा देते थे। उनका यह ज्ञान मौर्य साम्राज्य की देन था। 261 ईसा पूर्व महान मौर्य साम्राज्य और कलिंग राज्य के बीच एक युद्ध लड़ा गया था, जिसे कलिंग युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें अशोक सम्राट ने अपने पराक्रम से युद्ध जीत लिया था। लेकिन युद्ध के बाद जब उन्होंने मानवीय जीवन की हुई त्रासदी को देखा तो उन्हें इस बात का बहुत ही पश्चाताप हुआ कि उनके वजह से कई परिवार अनाथ हो गए थे, जिसके बाद वह बौद्ध धर्म के शरण में चले गए, क्योंकि अब वह शांति और अहिंसा का मार्ग अपना चुके थे। लेकिन उन्हें एक चिंता भी थी कि उनके साम्राज्य के पास इतना ज्ञान है जो अगर गलत हाथ में पड़ जाए तो मानवता खतरे में आ सकती है।
इसीलिए उन्होंने 9 काबिल वफादार लोगों का एक समूह बनाया और उनकी काबिलियत देख उन्हें 9 अलग अलग विषयों की किताबें दी गई। इन 9 लोगों की जानकारी सम्राट अशोका के अलावा किसी को भी नहीं पता थी। आपके मन में यह विचार आ सकता है कि 9 ही क्यों? कुछ लोगों के अनुसार 9 अंक सनातन में एक विशेष स्थान रखता है। जैसे हिंदुइज्म में एस्ट्रोनॉमी में 9 ग्रहों का होना, 9 यूनिवर्सल एलिमेंट का होना, 9 रात्रि जैसे उत्सव मनाना और इतना ही नहीं तो पुराने भारतीय राजा भी अपने राजनीति में 9 लोगों को विशेष स्थान देते थे। सम्राट अशोका का 9 लोगों का यह समूह गुप्त बनाया गया था, जिसकी जानकारी किसी को भी नहीं देनी थी और इन 9 लोगों को अपनी पहचान इस दुनिया से छुपाए रखनी थी। इन 9 लोगों का काम था अपने पास रखे इस ज्ञान को बढ़ाना और इस ज्ञान की रक्षा करना। और ऐसे ही शुरुआत हुई इस दुनिया के सबसे पहले सीक्रेट सोसाइटी की, जो मानवता की रक्षा करने और उसके मदद करने के लिए बनाई गई थी। और कहा जाता है आज भी यह सीक्रेट सोसाइटी अस्तित्व में मौजूद है, जो अपने इस ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी पास ऑन करते रहते हैं। इसका मतलब यह 9 लोग पहले से ही अपने विषय के एक काबिल व्यक्ति को ढूंढते हैं और अपने मृत्यु से पहले यह जिम्मेदारी दूसरे नए काबिल व्यक्ति को दे देते हैं। कुछ लोगों के अनुसार इन 9 गुप्त लोगों में से कुछ लोग अपने इस ज्ञान के वजह से हजारों सालों से जिंदा है। ऐसे में आपके मन में कई सारे सवाल आ रहे होंगे, जैसे कि आखिर इन 9 किताबों में क्या ज्ञान है और इनके विषय क्या है, और अगर यह सोसाइटी इतनी सीक्रेट है तो मुझे इसके बारे में कैसे पता चला। तो एक एक करके सभी सवालों के जवाब देते हैं। यह सोसाइटी इतनी सीक्रेट थी कि किसी भी भारतीय को इसकी भनक भी नहीं थी, जब तक 1923 में टैबलेट मुंडी नामक एक अमेरिकी इंग्लिश व्यक्ति ने 9 अननोन मैन नाम से एक किताब पब्लिश की, जिस पर उन्होंने इन 9 गुप्त लोगों का जिक्र किया और बताया कि उन्हें इन 9 अननोन मैन्स के बारे में तब पता चला जब वह ब्रिटिश आर्मी में थे। और इतना ही नहीं, लुइस पॉवेल्स और जैक बर्गर की किताब, जो कॉन्स्पिरेसी थेरीज पर बेस्ड थी, वहाँ भी इन 9 अननोन मैन्स के बारे में जिक्र किया गया था कि पॉप सिल्वरस्टर तृतीय इन 9 अननोन मैन से मिले थे और उन्होंने एक डॉल भारत से लाई थी जो उस वक्त भी बाइनरी नंबर से डिजाइन की गई थी, जिसका काम था हर एक सवाल का जवाब हाँ या ना में देना, जैसे AI सिस्टम। 9 अननोन मैन से जुड़ी बातें यही खत्म नहीं होती। इसके बाद एक नाम सामने आया, लुइस पैस्टर, जिन्होंने कॉलेरा की वैक्सीन बनाई थी। उनके कलीग अलेक्जेंड्रा यारसिन ने कहा था कि जब लुइस इंडिया में थे और कॉलेरा गंभीर स्थिति में था, तब लुइस उन 9 अननोन मैन में से एक से मिले थे और उनके मदद से ही उन्होंने इस गंभीर बीमारी की वैक्सीन बनाई थी। टैलबोट मुंडी के किताब द 9 अननोन मैन के अनुसार इन 9 किताबों में बहुत सारा ज्ञान था जो कि किसी एक व्यक्ति द्वारा लिखना नामुमकिन है। इसके 9 अलग अलग विषय हैं, जैसे फिजियोलॉजी, जिसमें मानवीय शरीर की पूर्णता जानकारी है, जिसकी वजह से आप इंसान के शरीर के हर एक कमजोरी का पता लगा सकते हैं और किसी भी व्यक्ति को सिर्फ छूने भर से ही आप उसकी जान ले सकते हैं, जिसे द टच ऑफ डेथ भी कहा गया है। और यह भी कहा जाता है कि इस किताब के कुछ पन्ने लीक हो गए थे, जिसकी वजह से जूडो और मार्शल आर्ट का जन्म हुआ। दूसरी किताब है कम्युनिकेशन। इस किताब में संचार विधियों का अध्ययन शामिल है, जिसमें आप इंसान और एलियंस के बीच संपर्क संवाद कर सकते हैं। इस बात से यह पता चलता है कि यह गुप्त सोसाइटी बाहरी दुनिया के बारे में भी जानती थी और उनकी भाषा भी समझती थी। तीसरी किताब है ग्रेविटी के बारे में। इस किताब में गुरुत्वाकर्षण के रहस्यों का खुलासा होता है, जिसमें एडवांस एयरक्राफ्ट्स बनाने की विधि के बारे में बताया गया है। चौथी किताब प्रोपेगेंडा की है, जो सबसे खतरनाक किताब है। यह किताब सीधा आपके दिमाग में असर करती है। इस किताब की मदद से आप लोगों को अपनी बातों से मनवा सकते हैं, जो राजनीति में बहुत ही काम आ सकता है। यह किताब मनोवैज्ञानिक और राजनीतियों पर चर्चा करती है। पांचवी किताब है माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। यह सूक्ष्म जीव और जीवन शैली के बारे में जानकारी देती है। माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी इस पुस्तक का मेन फोकस है। छठवीं किताब एल्केमी की है। इस किताब की मदद से आप किसी भी धातु को सोने का बना सकते हैं। यह किताब मुख्य रूप से धातु रूपांतर पर संबंधित है। सातवीं किताब लाइट पर बेस्ड है। लाइट मतलब प्रकाश। यह किताब लाइट के गुणों के बारे में है,
जैसे इसके गति और प्रकाश का इस्तेमाल हथियार के रूप में करने की तकनीक इसमें बताई गई है। आठवीं किताब कॉस्मोलॉजी पर है। इस किताब में ब्रह्मांड के बारे में बताया गया है। इसमें ब्रह्मांड का अध्ययन शामिल है। नौवीं किताब सोशियोलॉजी पर है, समाजशास्त्र, विषय नौवा और अंतिम खंड। इस किताब में समाज की प्रगति और उसके विनाश की प्रिडिक्शन करने की नॉलेज है। ऐसा लगता है यह किताब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वालों के लिए बनाई गई है। ऐसा कहा जाता है जगदीश चंद्र बोस, आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन और डॉक्टर भाभा जैसे कई महान लोग इस सोसाइटी का हिस्सा रह चुके हैं, और यह वही लोग हैं जिन्होंने कुछ न कुछ बदलाव इस दुनिया को दिए हैं। दुनिया के कई सारे लोग इन 9 अननोन मैन के सीक्रेट सोसाइटी पर भी विश्वास करते हैं, मगर हम फिर से आपको बताना चाहेंगे कि बस यह एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, कोई रियल फैक्ट नहीं। शायद आप अपने खुद के फैक्ट्स ढूंढें और अपनी राय दें। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूँगा कि अगर आपको मौका मिले इन 9 किताबों में से किसी भी एक किताब का इस्तेमाल करने का, तो आप इनमें से किस किताब को चुनेंगे? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि जब भी हम आपके लिए अगला वीडियो बनाएं तो हमें ऐसा ही मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।